Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel, and today we are going to resume our narration. In the previous video we discussed about the basics of narrations and some rules. Now we would like to continue that portion. In the previous video we discussed that reporting verb is changed, what connectors are used and प्रोनाउन का चेंज किस हिसाब से होता है. आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ असर्टिव सेंटेंस थे उसके बारे में पढ़ रहे थे कि सेट टू है वो किस में चेंज किया जाता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के किस में बदला जाता है, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू दैट, यू शुड वॉच दैट वीडियो और उसके बाद में आप इस वीडियो के ऊपर आइए, क्योंकि उसके जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे. अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. हमारा पोर्शन जो हमने स्टार्ट करना था आज वो था कि वर्ब किस में चेंज होती है, यानी टेंसेज हैं वो कैसे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. लेकिन टेंस कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर टेंस चेंज होते ही नहीं है. जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर अगर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ हो अगर साइंटिफिक ट्रुथ हो या कोई प्रिंसिपल हो, ये कोई फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, फैक्ट हो या प्रोवर्ब हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये चीजें हैं, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, अगर प्रिंसिपल है या फिर कोई फैक्ट या प्रोवर्ब दे रखी है, तो निश्चित रूप से ये चेंज नहीं होने वाले, चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहती है तो इसका टेंस चेंज होगा ही नहीं. लेकिन अगर ये पास्ट में चेंज होती है तो इसके रूल है कैसे कैसे चेंज होंगे. लेकिन भले ही ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. किन कंडीशन के अंदर? अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो या फिर कोई प्रोवर्ब हो, फैक्ट हो. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट. अगर सेंटेंस में ये दिया हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, हालांकि सन ईस्ट में राइज नहीं होता, इट अपीयर्स टू बी राइजिंग इन द ईस्ट, क्योंकि राइज तो तब होगा जब सेट होगा. यूनिवर्सल ट्रूथ है. आप ये देखो, अगर हम इसको चेंज करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द टेंसेज है, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे. अगर इसको हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, तो इसकी सेंस क्या निकलेगी कि सन है वो ईस्ट में राइज होता था, अब नहीं होता. लेकिन फैक्ट तो ये है कि सन पहले भी ईस्ट में ही राइज होता था और अब भी ईस्ट में ही राइज हो रहा है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाए. अगर साइंटिफिक ट्रूथ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको बॉयल को प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे जो रूल के हिसाब से, तो इसकी सेंस निकल जाएगी कि वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म बॉयल होने लग जाता था. लेकिन ऐसा है नहीं. फैक्ट क्या है, वो चाहे भले 20 साल पहले की बात हो, चाहे 100 साल पहले की बात हो, 200 साल की बात हो, कितनी भी पहले की बात हो और इन फ्यूचर की भी बात हो, वो साइंटिफिक फैक्ट है, वो साइंटिफिक फैक्ट ही रहेगा, उसको चेंज किया ही नहीं जा सकता. कोई फैक्ट है या प्रिंसिपल है, जैसे कहीं 2 and 2 makes 4, तो 2 और 2 4 ही होती हैं, पहले भी 4 होते थे, आज भी 4 होते हैं. ये नहीं है कि 2 और 2 4 होते थे, इसका मतलब ये हुआ कि अब नहीं होते. कोई प्रोवर्ब है जैसे ए बेड कारपेंटर क्यूरल्स विद हिज टूल्स, ये एक प्रोवर्ब है, तो ये पहले भी वही थी और आज भी वही है. तो ये अगर सेंटेंस में हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच
है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो, फैक्ट प्रोवर्ब हो, तो ये चेंज नहीं होंगे और इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। जो रेस्ट ऑफ द चेंजेस हैं टेंसेज के वो कैसे होंगे अब हम उनको पढ़ रहे हैं। ये जो टेंसेज के चेंजेस हैं ये सभी के अंदर होंगे, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, या किसी भी टाइप का हो। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल है वो किस में चेंज हो जाता है, या यूं कहें कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या एस मिलेगा, ये चेंज हो जाते हैं वी सेकेंड के अंदर। अगर आपको डू डज डिड मिलता है डू डज तो वो डिड में चेंज हो जाता है। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है यानी सेंटेंस में इज है, एम है, आर है और उसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी लगी हुई है तो वो किसमें, यानी ये ध्यान रखना है अब आपको, ये चेंज हो जाएगा वॉच वर्ब के अंदर और वो सेम हो ही रह जाएगी आईएनजी। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, ये यूं कहें कि आपको हैज, हैव और वी थ्री मिला हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, वो हैड प्लस वी थ्री में चेंज हो जाएगा। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है यानी हैज बीन, हैव बीन या फिर हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी है तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस हैज है भाई उसको हैड कर देना है और बाकी सेम एज इट इज। अगर सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट, अगर पास्ट इंडेफिनेट है या पास्ट सिंपल है जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो चेंज हो जाती है हैड प्लस वी थ्री में, कभी कभी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी रह जाती है। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो चेंज हो जाती है, या यूं समझे वोज वर्ब है वो हो जाएगा हैड बीन में बस चेंज। इसके बाद में जो आएगा वो है हैड बीन, हैड बीन है ये सॉरी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी में चेंज नहीं होगी, ये सेम वैसे की वैसे ही रह जाएगी। नेक्स्ट है ये हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये भी सेम रह जाएगी। इसके बाद आता है सेल और विल, सेल और विल, सेल विल है ये शुड वुड में चेंज हो जाता है, शुड या फिर वुड में चेंज, जनरली इसको वुड में चेंज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर सेल किसी सजेशन को शो कर रहा है, जैसे मैं गेम की सेल आई गो होम तो इसके अंदर ये फ्यूचर को नहीं दिखा रहा बल्कि सजेशन को दिखा रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर सेल है वो शुड में चेंज हो जाते हैं, जनरली सेल विल है दोनों वुड में ही चेंज होते हैं। मॉडल्स हैं कैन है वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा, विल वुड हो गया, कैन कुड मे माइट एटसेट्रा, ये है बेसिक्स चेंज जो जनरली एक वर्ब की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके रेंडमली मैं दो तीन एग्जांपल्स उठाता हूं और उसको चेंज करके हम देखते हैं, चले तो हम यही चेंज कर लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। राम सेड टू मोहन यू प्ले वेरी वेल, अब हमने क्या देखा था कि ये चेंज करना है, कौन कौन से चेंजेस थे हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है पहला, फिर इसके बाद में कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाना है, फिर प्रोनाउन को चेंज करना है, फिर इसके बाद टेंस को चेंज करना है और एक मिसेलेनियस था, मिसेलेनियस इसके अंदर है नहीं, तो इसमें चार चेंजेस हमें करने हैं। अब हमने क्या सीखा था कि अगर सेंटेंस
रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो सैड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड के अंदर, राम टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें यूज करना है दैट कनेक्टर, यानी असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम दैट कनेक्टर यूज करेंगे। अब यू है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, यू का ही हो जाएगा। प्ले वी फर्स्ट इज चेंज इन टू वी सेकेंड, ही प्लेड वेरी वेल, इस टाइप से चेंज होगा। एक एग्जांपल और लिखते हैं, राम सेज यू प्ले वेरी वेल। अब इसको चेंज करना है, हमें कैसे चेंज करना है, अब हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट के अंदर है, तो ये जो टेंस वाला चेंज है वो नहीं होगा, बाकी सारे चेंजेस होंगे। राम सेज का सेज में रह जाएगा, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है हमें, इसकी जगह डेट यूज हो जाएगा। यू है ये हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बाई चांस ऐसा होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे या तो फर्स्ट पर्सन सपोज करना है या फिर थर्ड पर्सन सपोज करना है, या तो फर्स्ट पर्सन सपोज करना है या फिर थर्ड पर्सन सपोज करना है, अकॉर्डिंग टू द सेंस की सेंस भी उसकी बेकार ना हो और वो चेंज भी हो जाए। अगर हम यहाँ पे हिम मान लेते हैं, राम सेज टू हिम, या मोहन ही था जो, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही प्ले है, ये टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में, तो ये ही के साथ आ जाएगा, प्लेज ही प्लेज वेरी वेल। ये चेंज सिर्फ तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, यानी ये सेड होगा, अगर ये फ्यूचर में भी राम विल से तो भी ये चेंज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ये उठा लेते हैं बोझवर का, राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन पब्लिश माई पेपर, यू कैन पब्लिश माई पेपर, राम सेड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड मोहन दैट ही कैन का कुड पब्लिश माई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज पेपर, राम सेड टू मोहन He was playing cricket. He was playing cricket. Ram told Mohan that third person change होगा नहीं, he was जो है ये हो जाएगा had been playing. He had been playing. इस टाइप से हमें चेंजेस ये करने हैं, वर्ब के चेंजेस इस टाइप से करने हैं। अब ये जो वर्ब के चेंजेस हैं ये भले ही सेंटेंस इंटरोगेटिव है उसके अंदर भी हमें चेंज करने हैं, या किसी भी टाइप का सेंटेंस हो चाहे वो असर्टिव है या इंटरोगेटिव है, जिस भी टाइप का ये टेंसेज ही हर उसके अंदर टेंस के चेंज होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट हमारा है असर्टिव के बाद में इंटरोगेटिव,
कि इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस हो तो उसको कैसे चेंज करती है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है वो दो टाइप के मिलेंगे, एक इंटरोगेटिव होगा वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक इंटरोगेटिव होगा जो WH फैमिली से स्टार्ट होगा और एक इंटरोगेटिव होगा जो यस नो टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। दो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं। राम सेड टू मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, एक सेंटेंस है राम सेड व्हाट डू यू प्ले, सॉरी दो हैं इसमें, एक तो है यस नो टाइप इंटरोगेटिव, दूसरा है WH फैमिली से रिलेटेड। अब मैं दोनों की बात बताता हूँ। इसमें भी हमें ध्यान में रखना है कौन कौन से चेंजेस थे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, प्रोनाउन चेंज करने हैं और वर्ब चेंज करनी है। मिसेलेनियस इसमें भी नहीं है, जैसे टू डे दैट दैट डे हैंस देंस यस्टरडे द प्रीवियस डे टुमारो द फॉलोइंग डे, इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो मिसेलेनियस चेंजेस के अंदर हम काउंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर टर्न बाय टर्न पढ़ लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और सेंटेंस ये वाला इंटरोगेटिव है, ये वाला इंटरोगेटिव है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब चेंज होगी। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी इसमें, चाहे भले ही इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो या ऑब्जेक्ट ना दिया हो, क्योंकि हमने क्या देखा था कि टेल है वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसका मतलब जो इसमें यूज होगी आस्क है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, तो इसके बाद में भले ही इसके बाद ऑब्जेक्ट मिले आपको या ना मिले, आपको इसको चेंज करना ही है। इसके अंदर अगर से है तो आस्क हो जाएगा, इंक्वायर हो जाएगी, सेज है तो वो आस्क हो जाएगा, सेड है वो आस्क हो जाएगा, या इनके जगह पे हम आप इंक्वायर यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्स यूज कर सकते हैं या इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगाना ना भूलें, ये इंक्वायर्ड ऑफ कब, अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर यहाँ पे इंक्वायर यूज करें तो इसमें ऑफ यूज होगा, ही राम इंक्वायर्ड ऑफ मोहन। अगर इस में यूज कर रही है इंक्वायरी तो राम इंक्वायर्ड, बस क्योंकि ऑफ तभी यूज करना है अगर ऑब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो आपको यूज नहीं करना। तो ये तो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का। इसके बाद में चेंज आता है हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इसमें दो यूज होंगे, दो क्या क्या यूज होंगे, या तो आपको इफ या वेदर यूज करना है, इन दोनों में से एक यूज करना है, या फिर अगर सेंटेंस WH फैमिली का है तो ऑलरेडी यही WH फैमिली का वर्ड है, यही इसका कनेक्टर हो जाएगा, ये कनेक्टर इसका हो जाएगा, यानी इसमें दो टाइप के कनेक्टर यूज होंगे, या तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ वेदर यूज कीजिए। अगर इफ और वेदर यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर WH फैमिली का है तो कनेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी WH फैमिली का वर्ड है वही कनेक्टर की तरह काम करेगा। सेंटेंस है उसके अंदर जो टेंसेज के चेंज है वो सेम वही रहेंगे जो असर्टिव में थे, बस इसमें क्या करना है कि सेंटेंस चाहे भले ही इंटरोगेटिव है इसको भी हमें क्या करना है, भाई सेंटेंस को भी हमें इंटरोगेटिव से इसको असर्टिव बनाना है, इसको भी असर्टिव हमें बनाना है। तो ये चेंजेस है नहीं, अब इनको मैं चेंज करके बताता हूं आपको। जैसे फर्स्ट यही लिखते हैं हम, राम सेड टू है वो किसमें चेंज करना हमें बताया था, राम आस्क्ड मोहन
डू है यानी डब्ल्यू एच फैमिली का नहीं है तो इसमें से एक यूज कर दो, इफ या वेदर। अब ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव को हमें अगर असर्टिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लेना होगा और उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? मोन के अनुसार, इफ ही। और अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसको हमें किसमें? इफ ही प्लेड क्रिकेट। ये हमें सिंपल बन गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये इसका हमने पास्ट इंडेफिनेट बना लिया। अब दूसरा जो सेंटेंस है ये डब्ल्यू एच फैमिली का है, इसमें राम सेड, राम आस्क्ड, सीधा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, वही इसका कनेक्टर हो जाएगा। व्हाट यू है, यू है सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन इसके अंदर कोई सॉरी ऑब्जेक्ट है के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर है नहीं तो हमें क्या बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सपोज करने या तो फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, हम थर्ड पर्सन ही ले लेते। मोहन आस्क्ड व्हाट ही प्लेड। इस टाइप से हमें ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज कराने होते हैं। बाकी जो चेंजेस हैं ये टेंसेज वाले भी सेम रहेंगे, सिर्फ हमें किसका ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या यूज करना है, बाकी सारे चेंजेस सेम है जैसे असर्टिव के अंदर थे। अब इसके बाद में हमारे पास आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो जिनके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर एटसेट्रा होते हैं, उनको हम इंपेरेटिव बोलते हैं। उसका एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, राम सेड टू मोहन, सेड द विंडो। ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में भी हमने क्या बताया था, एक तो आपको असर्टिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव डोंट शट द विंडो, डोंट शट द विंडो, सेम ये हो जाएगा, राम सेड टू मोहन स्टार्ट। अब चेंजेस हमें वही चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, फिर इसके बाद में कनेक्टर यूज करना है इस कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के, और बाकी सेम वही चेंजेस जो हमें करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेज है, इंपेरेटिव सेंटेंस की सेंस देखनी है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे शट द विंडो, डोंट शट द विंडो, ये एक टाइप का ऑर्डर लग रहा है। अगर ऑर्डर नहीं होता, रिक्वेस्ट होती तो निश्चित रूप से हमें प्लीज मिलता, तो ये एक टाइप का ऑर्डर है। तो जैसी सेंस है उस सेंस के अकॉर्डिंग ही ये चेंज हो जाएगा। अगर ऑर्डर है तो ordered, राम ordered मोहन, श्याम ordered मोहन, या रिक्वेस्ट है तो राम, अगर यहाँ पे प्लीज आ जाता, प्लीज डोंट शट द विंडो, प्लीज डोंट शट द विंडो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती, राम रिक्वेस्टेड मोहन। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, ऑर्डर है तो ordered, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो सजेस्टेड एटसेट्रा। और कोमा इनवर्टेड कोमा को हटा के हमें यूज करना है टू, कनेक्टर इसमें यूज होगा टू। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है, जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव का, तो हमें नोट पहले यूज करना है और टू बाद में, नोट टू, बस इसमें यही चेंजेस है, बाकी सेम वही चेंजेस रहेंगे। अब इसका चेंज क्या हो जाएगा, अगर ये ऑर्डर लग रहा है तो राम ordered मोहन,
to set the window. इसमें ordered sorry please अगर लगाते हैं तो इसमें request आएगा, और please नहीं है तो इसमें सीधा वही ordered. अब इसमें don't है तो not पहले लगा दो, not to और फिर verb की first form to set the window. राम ordered मोहन नोट टू सेट द विंडो. इस तरह से ही हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेज चेंज करने हैं. इस वीडियो के अंदर बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी बचे हुए नरेशन के पार्ट हैं इंपेरेटिव के अलावा जो बचे हुए हैं हमारे, उनको डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अगर टाइम बचता है तो. और बाय दैट टाइम आप इसको रिवाइज करिए. अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिए, फिर इसके बाद में ये वीडियो देखिए. और निश्चित रूप से जल्दी हम जो नरेशन का नेक्स्ट वीडियो है उसके साथ आएंगे. तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू.